आज एक्सेल में हम दो कमांड सीखेंगे, इसके ब्लैंक्स और ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको खास तौर पर पसंद आएगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है और आपके बहुत काम आ सकती है। यहाँ पर हमने कुछ टेबल पहले से बना रखी हैं। अक्सर करके ये होता है कि हम कोई टेबल कॉपी करते हैं या किसी के ऊपर ओवरराइट करते हैं तो उसके ब्लैंक कॉलम्स भी उसके ऊपर ओवरराइट हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम इस टेबल को और इस टेबल के ऊपर ओवरराइट करें या पेस्ट करें तो हमारे जो ब्लैंक कॉलम हैं जिनमें कुछ भी नहीं लिखा है वो कॉलम भी इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएंगे। पहले हम एक नॉर्मली करके देख लेते हैं। इस टेबल को आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये पूरी रेंज मैंने एक सेलेक्ट की, कॉपी किया और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। वजह पेस्ट करने की ये है कि यहाँ पर हमने कुछ गलतियाँ कर दी हैं और हम चाहते हैं कि ये जो सेल हैं वो इन सेल्स के ऊपर मर्ज हो जाए। थोड़ा पास से देख लेते हैं, ये जो सेल्स हैं जैसे यहाँ पर अप्रैल मैंने गलत लिख दिया तो मैं चाहता हूँ ये मई इसमें मर्ज हो जाए। ये सारे सेल्स जो हैं, ये दोनों टेबल्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएँ, सिर्फ ब्लैंक कॉलम ना आए। तो मैंने इस टेबल को यहाँ पर कॉपी किया ही है। अब दोबारा इसके ऊपर पेस्ट करके देख लेता हूँ। ये देखिए, जब हमने इसको पेस्ट किया तो हमारे ब्लैंक कॉलम भी इसके ऊपर ओवरराइट हो गए। हमें ऐसा नहीं चाहिए था। अब हम अपनी कमांड स्किप ब्लैंक के थ्रू इस टेबल को दोबारा से इसके ऊपर ओवरराइट करके देखते हैं। हमने ये टेबल पूरी सेलेक्ट की, इसको फिर से हमने कॉपी किया, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको पेस्ट कर समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप पेस्ट बटन का यूज करने के बजाय पेस्ट स्पेशल बटन का यूज कीजिएगा। यहाँ पर आपको स्किप ब्लैंक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे टिक कर दीजिए। ये देखिए अभी तक ये ऐसा ही है, इस पे टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर पहले मेरे कॉलम जो थे वो तो रह ही गए हैं और इन ब्लैंक कॉलम्स को छोड़ के बाकी सारे जो सेल्स हैं वो इसके ऊपर पेस्ट हो गए हैं। तो ये फ़ायदा है हमारी इस कमांड से जिसका नाम है स्किप ब्लैंक्स। अब चलते हैं अपनी दूसरी कमांड ट्रांसपोज की तरफ। मानिए आपने यहाँ पर कोई एक टेबल बनाई जो कि वर्टिकल है। आपके बॉस आए, उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर दिया, ये तो आपने वर्टिकल टाइप कर दी, ये तो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी। अब आप क्या करेंगे, आप मैनुअली उसको टाइप करना शुरू करेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ टाइप करने के लिए हिंदी गूगल इनपुट का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप उसको टाइप करना शुरू करेंगे। वैसे ये टेबल काफ़ी छोटी है, लेकिन अगर ये इसमें 6 आइटम्स की जगह अगर 100 होते या 150 होते आइटम तो आपको टाइप करने में बहुत टाइम लगता, लेकिन जो ट्रांसपोज कमांड है वो इसको केवल एक सेकंड में वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना सकती है। तो कैसे इसको करना है आइए जान लेते हैं। आपकी जो टेबल है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और जहाँ भी आप इसको हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं वहाँ पर जाइए और फिर से इसको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को खोलिए। यहाँ पर आपको स्किप ब्लैंक्स के बराबर में ट्रांसपोज बटन दिखाई देगा, इस पर टिक कीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए मैजिकली आपकी जो टेबल वर्टिकल थी वह हॉरिजॉन्टल तैयार हो गई। ऐसा आप कई सारे कॉलम्स कितनी भी बड़ी टेबल हो आप उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, चाहे वो एक छोटी सी टेबल हो। ये देखिए मैंने सिर्फ ये बीच वाला कॉलम लिया है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल किया। ये देखिए बीच वाला पूरा कॉलम हो गया, लेकिन ये तो आपने कर लिया। फिर से आपसे कहा गया नहीं यार ये तो अच्छी नहीं लग रही, ये तो पहले वाली ही पोजीशन में इसको दोबारा से बना दो, तो बस वही काम दोबारा से इस हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ करना है। इसको भी कॉपी कर लीजिए और इसको भी आप वर्टिकल वही ट्रांसपोज ऑप्शन से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल टेबल थी जिसको मैंने वर्टिकल बना दिया, सॉरी मैंने नहीं ट्रांसपोज कमांड ने। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए
और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।